हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी और प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को लेकर न्यू अपडेट के बारे में। तो एलटी शिक्षक में 136 पद, ये आप सिर्फ एक ही जिले के बारे में बात करने वाले हैं। प्रवक्ताओं के यहाँ पर 211 पद और निदेशालय स्तर से भर्ती करने की बात भी यहाँ पर कही गई है। और इसके लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर कितने कितने पद रिक्त हैं जिले में, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हल्द्वानी भीमताल नैनीताल एरिया है, इसमें प्रधानाचार्य के ही 110 पोस्ट खाली हैं। और इंटर कॉलेज में 103 इंटर कॉलेजों में से आप स्थिति यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 908 है जो कि यहाँ पर स्वीकृत पद हैं, इसके सापेक्ष 697 पद कार्यरत हैं। इनमें 211 पद यहाँ पर खाली, जिनमें से आपके विषय है हिंदी ही 31 पद खाली हैं, अंग्रेजी 22 है, संस्कृत 14 है, फिजिक्स 9 है, केमिस्ट्री 12 है, मैथ्स के 9 है, जीव विज्ञान के 9 है, राजनीति विज्ञान के शास्त्र के 35 पद खाली हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र के 32, इतिहास के 12, भूगोल के 22 और शास्त्र के 4 पद रिक्त पड़े हैं। और महिला शाखा में भी यहाँ पर स्वीकृत 192 में से यहाँ पर इसके सापेक्ष 137 पद कार्यरत हैं और 35 पद रिक्त हैं, जिनमें से हिंदी की 6 हैं और राजनीति विज्ञान की 5 है, संस्कृत और फिजिक्स जीव विज्ञान ठीक है, और यहाँ पर समाजशास्त्र के 4-4 पद खाली हैं और अर्थशास्त्र के 3 पद खाली हैं, अंग्रेजी इतिहास संगीत इनकी 2-2 पद खाली हैं। साथ ही गणित के यहाँ पर जो है भूगोल और शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान गृह विज्ञान इनके 1-1 पद खाली हैं, ये आप लोग देखते हैं। और साथ में यहाँ पर हाई स्कूल का जो यहाँ पर 136 पद खाली है कि एलटी लेवल में यहाँ पर 136 पद खाली हैं, सिर्फ एक जिले के बारे में बात कर रखा है ठीक है। और वहीं यहाँ पर शिक्षा जो जिला शिक्षा अधिकारी उनके द्वारा कहा गया कि इन पदों को रिक्त पद जो भर्ती को लेकर अगर बात करें तो जिन विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त हैं वहाँ पर जो है गेस्ट के माध्यम से यहाँ पर बने हुए हैं प्रस्ताव बताया गया वो पढ़ा रहे हैं। और साथ ही रिक्त पद पर जो है नियुक्ति के लिए यहाँ मुझे उच्च जो शिक्षा अधिकारी उनको यहाँ मुझे अवगत कराया है, तो यहाँ पर जो है रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर अवगत कराया है। और निदेशालय स्तर से यहाँ पर जो है पदों पर भर्ती होगी, तो यहाँ पर निदेशालय स्तर पर ही भर्ती यहाँ पर करने की बात की गई है। फिलहाल एक ही जनपद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर अपडेट है और इतने सारे पद खाली हैं। और उत्तराखंड में बोर्ड का रिजल्ट भी यहाँ पर जो है कई लोगों ने अच्छा भी किया है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक ना होने के बाद भी छात्रों ने काफ़ी मेहनत भी करी है और इस तरह का यहाँ पर स्थिति हालत ख़राब है स्कूलों की, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और इतने पद एक ही जनपद के हैं, ऐसे अल्मोड़ा में भी हैं और ऐसे यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पर भी इतने पद खाली, 146 के करीब खाली यहाँ पर भी हैं ठीक है। तो यहाँ पर इतने पद खाली भर्ती के नाम पर यहाँ पर अभी सिर्फ न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में 2020 से कोई भर्ती शिक्षकों की नहीं आ रखी है, न एलटी में न प्रवक्ता में, दोनों भर्ती 2020 के बाद से अब तक नहीं आ रखी। हालांकि प्रस्ताव बना हुआ था प्रवक्ताओं का, लेकिन प्रस्ताव अभी भी यहाँ पर पेंडिंग में ही चल रखा है, जो कि लगभग 474 के डिफरेंट पोस्ट आनी है, वो यूकेपीएससी में नहीं पहुँचा है फिलहाल।